आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना? मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी रहना खतरे से खाली नहीं। कैसा है फिल्म का नया प्रोमो? क्या ऑडियंस को पसंद आया फिल्म का नया प्रोमो? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, आपने कॉफी विद करण का वो एपिसोड तो देखा ही होगा जब कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी आए थे। नहीं नहीं, कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये तीनों एक साथ आए थे क्योंकि ये तीनों एक साथ आने वाले हैं उनकी आने वाली फिल्म फोन भूत में। जिस तरह से इन तीनों ने उस शो में धमाल मस्ती की, उतनी ही मस्ती अब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। जहां शो में ईशान खट्टर ने कैटरीना को पंजाबी सिखा दी, वहीं अब कैटरीना इस फिल्म में सिद्धांत और ईशान को खूब मजे चखाने वाली है। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म का नया प्रोग्राम आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैटरीना कैफ ईशान और सिद्धांत से कह रही है कि मैं एक भूत हूँ। ये कहने के बाद कोई भी इंसान डर जाएगा ना, पर इस पर सिद्धांत हंसने लगते हैं और फिर कैटरीना घुस जाती है उनके शरीर के अंदर और एक से दो पंच मारने के बाद उनके शरीर से बाहर भी आती है और तब ये दोनों हैरान हो जाते हैं। इस एडवेंचर कॉमेडी फिल्म में हमें फन, एंटरटेनमेंट, मसाला सब कुछ देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है और इस प्रोमो पर ऑडियंस का रिएक्शन भी आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये काफी एंटरटेनिंग है, ये प्योर एंटरटेनिंग फिल्म हो सकती है। वैसे कैटरीना जैसी भूत हो, वहां पर भूत को भी भूत नहीं बल्कि ग्लैमरस भूत कहा जा सकता है। सही कहा ना मैंने? वैसे इस फिल्म का पोस्टर आप देख सकते हैं जिसमें ये तीनों एक सोफे पर बैठे हैं, जिसमें कैटरीना एक स्पूकी लुक में नजर आ रही है तो वहीं ईशान हाथ में एक स्केलेटन लेकर बैठे हैं और दूसरी तरफ सिद्धांत भी एकदम कूल अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। अब इस प्रोमो में हम देख सकते हैं कि इस बीच में हमें कैटरीना की ग्लैमरस अवतार और डांस की झलक देखने को मिली है और कैटरीना की अदाओं से तो हम सब वाकिफ ही हैं। काफी मजा आने वाला है दोस्तों। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं गुरमीत सिंह, फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत। आपको बता दें दोस्तों कि इस फिल्म को लेकर कैटरीना कैफ के फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। वैसे सिद्धांत और ईशान ने कैटरीना के बारे में यही कहा है कि कैटरीना जितनी इनोसेंट लगती है उससे भी ज़्यादा वो एक प्रैंक स्टार है, बट उनके साथ काम करते वक्त काफ़ी मज़ा आता है और सेट पर एक अलग ही माहौल पैदा होता है। वैसे अभी तक इस सब पर कैटरीना के हबी विकी कौशल जी का कोई खास रिएक्शन नहीं आया है, पर उनका रिएक्शन क्या हो सकता है ये तो पूरी दुनिया को पता है। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में एक्टर जैकी श्रॉफ और शिवा चड्ढा भी नजर आएंगे। आगे आपको ये बता दें दोस्तों जानकारी के लिए कि फिल्म की रिलीज डेट है 4 नवंबर 2022 और काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो इस फिल्म को मिस बिल्कुल मत करिएगा और साथ ही बिल्कुल मिस मत करिएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ के साथ। नमस्कार।